को रिलैक्स होकर के बैठ जाएं। अब अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर स्वयं पर एकाग्र करेंगे। आज मुझे स्वयं से बात करनी है, स्वयं को जानना है। अब अपना ध्यान अपने मस्तक पर एकाग्र करें। अपना ध्यान भीतर की ओर ले जाएं, स्वयं को देखें। मस्तक के बीचों बीच मैं अपने असली स्वरूप दिव्य शक्ति जो रूप में बिंदु गुणों में सागर के समान हूँ, मैं शरीर नहीं, इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान ज्योति पुंज हूँ। धीरे धीरे स्वयं को महसूस करें। मैं शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ। आँखों द्वारा देखने वाला, कानों द्वारा सुनने वाला, मुख द्वारा बोलने वाला अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अपने आकाश तत्व के समान सूक्ष्म और विशाल स्वरूप में स्थित हूँ। मैं आत्मा शरीर के सर्व बंधन संबंधों का बंधन, बातों का बंधन, परिस्थितियों का बंधन, कर्मों के बंधन से मुक्त हो अपने लाइट स्वरूप में स्थित हो चुके हूँ। धीरे धीरे मन बुद्धि के द्वारा मैं पांच तत्वों की दुनिया से पार सूर्य चांद सितारों से भी पार अपने धाम परम धाम में जा रही हूँ। यही मेरा असली घर है। परमात्मा द्वारा दिए ज्ञान के तीसरे नेत्र द्वारा मैं अपने इस दिव्य लोक को देख रही हूँ। वाह, यहाँ चारों ओर शांति ही शांति है, प्रकाश ही प्रकाश फैला हुआ है। इस दिव्य प्रकाश से मेरे मन का संपूर्ण अंधकार समाप्त होता जा रहा है। यहाँ कोई बंधन नहीं। अब मेरी स्थिति पृथ्वी के समान अचल अडोल हो गई है। कोई बोझ
समस्या नहीं, बिल्कुल मुक्त अवस्था में कितना हल्कापन महसूस हो रहा है। इस दिव्य लोक में मेरा असली स्वरूप शुद्ध और पवित्र हो चुका है। मैं आत्मा जल के समान शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनती जा रही हूँ। मेरे मन की गति बिल्कुल शांत होती जा रही है। मेरे चारों ओर शांति के प्रकंपन महसूस हो रहे हैं। मैं शांत हूँ। धीरे धीरे मैं मन और बुद्धि को पिता परमात्मा के पास ले जा रही हूँ। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा तेजोमय रूप में बिंदु असीम गुणों और शक्तियों के स्वामी है। प्रकाश स्वरूप है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का प्रभा मंडल छाया हुआ है। कितना सुंदर स्वरूप है। मेरे पिता परमात्मा अनंत है, सर्वशक्तिवान है। पिता परमात्मा से निकली अनंत किरणें चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं और मैं आत्मा स्वयं सर्व शक्तियों की किरणों में समाती जा रही हूँ। मेरे मन को अशांत करने वाले कठोर संस्कार इन शक्तिशाली किरणों से खत्म होते जा रहे हैं। मेरे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है। मैं आत्मा ज्ञानवान बनती जा रही हूँ। मैं अपने पिता परमात्मा से असीम प्यार का अनुभव कर रही हूँ। दिव्य प्रेम की लो से मेरे भीतर असीम शक्ति का संचार हो रहा है। घृणा नफरत समाप्त होते जा रहे हैं। अब कुछ क्षण मन को परमात्मा के दिव्य स्वरूप पर एकाग्र कर ये दिव्य शक्तियां धीरे धीरे मेरे भीतर में समा रहे हैं। मैं इन शक्तियों में समाती जा रही हूँ।
सर्वशक्तियों के प्रभाव को मैं स्वयं में अनुभव कर रही हूँ। आसपास का वातावरण स्वच्छ पवित्र हो गया है। मेरे भीतर शुभ संकल्पों का संचार हो गया है। शुभ संकल्पों की सुगंध हवा में घुलकर समस्त वातावरण और मनुष्य आत्माओं को शुद्ध पवित्र करते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्वयं में शक्ति से भरपूर अनुभव कर रहे हूँ। मैं प्रकृति जीत माया जीत बनती जा रही हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ। अब पुनः मुझे अपने पंच तत्व के शरीर में वापस लौटना है। मैं आत्मा अपनी भृकुटि के मध्य स्थित हो चुकी हूँ। अब मुझे अपने कर्मेंद्रियों द्वारा अपने कर्म में इन गुणों शक्तियों को प्रवाहित करना है। ये मेरा अपने पिता से वायदा है। ओम।